और अब 9 सेकंड न्यूज में देश के कोने कोने से आ रही अहम खबरें दिखाते हैं। अरब सागर में भारत आ रहे मर्चेंट शिप एमबी केम प्लूटो पर ड्रोन से हमला हुआ। शिप में 21 भारतीय और चालक दल के सदस्य थे मौजूद। जहाज सऊदी अरब की बंदरगाह से लेकर आ रहा था कच्चा तेल। उत्तर प्रदेश के इटावा रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला। झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की एक बोगी से धुआं निकलने से अफरा तफरी का माहौल बना। भोपाल में जूतों की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। हैदराबाद में निजी अस्पताल की 9वीं मंजिल पर आग लग गई। फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंचने पर आग पर काबू पाया गया। घटना में कोई जनहानि नहीं। तमिलनाडु के मदुरे में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। समय रहते कॉम्प्लेक्स से बाहर निकाले गए। राजस्थान के सिरोही में ट्रक में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से मिर्च से भरे ट्रक में आग लग गई। कुछ ही देर में जलकर खाक हुआ ट्रक। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जेएनयू में छात्र संगठनों ने मशाल जुलूस निकाला। चीफ प्रॉक्टर के आदेश के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन हुआ। छात्रों ने लगाया फाइन के रूप में अवैध वसूली का आरोप। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हादसा हो गया। निर्माणाधीन इमारत का स्लैब गिरने से दबा एक वाहन। मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हुआ वाहन। प्रयागराज में 14 जनवरी से शुरू होने जा रहा माघ मेला 50 दिनों तक मेला चलेगा। इस बार 7 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। माघ मेला क्षेत्र में शिविर लगाने के लिए जमीन आवंटन का काम भी शुरू हुआ। खाक चौक व्यवस्था समिति से जुड़े सन्यासियों को जमीन आवंटित। 280 संस्थाओं के लिए 167 बीघा जमीन दी गई। और अब 9 सेकंड न्यूज में कोरोना के उस वर्जन की बात करते हैं जिसने दुनिया में टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना के नए सब वेरिएंट के खतरे को लेकर बिहार सरकार का आदेश। जिलों में आरटीपीसीआर जांच बढ़ाने के निर्देश हैं। पटना, गया और दरभंगा एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ा दी गई। मध्य प्रदेश में फैलने लगा कोरोना। अब तक कोरोना के 4 मरीज आए सामने। एक मरीज स्वस्थ, 3 अस्पताल में भर्ती। भोपाल में 12 सैंपल में एक महिला पाई गई संक्रमित। कोरोना के नए सब वेरिएंट को लेकर विशेषज्ञों की राय। घबराने की बजाय सतर्क रहने की जरूरत। फिलहाल वायरस के सामान्य लक्षण। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 752 मामले रिकॉर्ड। महाराष्ट्र में शनिवार को सामने आए कोरोना के 35 नए मामले। अब एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 103। सबसे ज्यादा मामले मुंबई से सामने आए। महाराष्ट्र सरकार ने किया कोविड टास्क फोर्स का पुनर्गठन। कोविड के बढ़ते मामलों की पहचान करने, विश्लेषण और सुझाव के लिए बनाई गई टास्क फोर्स। बढ़ी टेस्टिंग। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पंजाब में अलर्ट है। अमृतसर के अस्पताल में तैयारियां हो रही हैं। कोरोना से निपटने के लिए बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों का स्टॉक किया जा रहा तैयार। तेलंगाना के वारंगल में बुजुर्ग महिला कोरोना पॉजिटिव मिली। कोविड के सब वेरियंट की पुष्टि के लिए लैब भेजा जाएगा सैंपल। महिला से संपर्क में आए बाकी लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।